और इस सेशन का जो मुद्दा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल राजनीति में धर्म बहुत आ रहा है राजनीति में, और राष्ट्रवाद की बड़ी चर्चा होती है राजनीति में, और इस वक्त राजनीति चरम पर है क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं, अनाउंस हो चुके हैं, और 10 फरवरी से इलेक्शंस हैं, 10 मार्च को नतीजे भी आएंगे। तो इस बार के इलेक्शंस में ये राष्ट्रवाद का मुद्दा, ये धर्म का मुद्दा कितना हावी रहने वाला है, और क्या ऐसा होना चाहिए? इसको रोका जा सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक पूरा पैनल खास मेहमानों का जुड़ा है। मैं सबसे पहले अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, वो इस वक्त पैनल में साथ हैं। महंत राजू दास जी, वो इस वक्त साथ में मेरे साथ पैनल पे हैं। हरीश श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंट करेंगे, और यूसुफ अब्बास साहब मुस्लिम, याकूब अब्बास साहब मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो आप हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। और मैं महंत राजू दास जी, क्योंकि आप तो महंत हैं, धर्म को समझते हैं, राजनीति और धर्म का क्या मेल है? और हाल के दिनों में हमने देखा है, और अगर मैं साफ तौर पर कहूं तो जब से बीजेपी आई है, या जब जब बीजेपी का जिक्र होता है तो राजनीति और धर्म को जोड़कर देखा जाता है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या धर्म का कोई स्थान होना चाहिए राजनीति में, या इसको बिल्कुल अलग छोड़ा जाना चाहिए? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने हमको इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, मौका दिया। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय में जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है, और के मन में एक ही भाव है कि सरकार हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व, और यह देश सबका है, सनातन धर्म संस्कृति को मानने का हर व्यक्ति जो हिंदू जनमानस है सबको अधिकार है, और इसमें किसी भी प्रकार से धर्म और राजनीति को अलग कभी नहीं किया जा सकता है। दोनों एक दोनों के पूरक हैं। अगर हम धर्म को अलग कर दें, खाली राजनीति ही रखें, तो फिर उसमें शुचिता नहीं रह जाती है, किसी न किसी कारणवश उसमें विसंगति उत्पन्न हो जाएगी। तो धर्म तो लाना ही पड़ेगा, बिना धर्म की राजनीति कतई संभव है ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति इस प्रकार अभी बनती चली जा रही है। और सिंप्लीफाई करूं, इसी को और मैं अगर सिंप्लीफाई करके पूछूं, तो क्या धार्मिक आधार, मेरे धर्म कहने का मतलब धर्म नहीं था, मेरे धर्म कहने का मतलब था कि धार्मिक आधार पर वोटिंग भी होती है, हम लोग उसके लिए प्रेरित भी करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज उस चीज को लेकर, तो क्या ये विसंगति नहीं है फिर? नहीं नहीं, देखिए इसके लिए हम आपसे 2-3 मिनट समय लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत ही पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और भी लोग वक्ता हैं बोलने वाले। देखिए नेताओं में कितनी परिवर्तन आ जा रही है। अभी तक जो लोग इस रंग से, बहुत लोगों को दिक्कत होती थी, बोलते थे क्या कि एक रंग वाले से बहुत दिक्कत है, एक रंग वाले से सावधान रहने की जरूरत है, राम काल्पनिक, हमको बोको हरम, आईएसआई और तालिबान से जोड़ देते थे। जिस प्रकार से हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा लोगों ने अलग अलग कर दिया, बांट दिया, हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू और हिंदुत्व को अलग कभी बांटा जा ही नहीं सकता है। जिस प्रकार से इन राजनीतिक घड़ियाल आंसू रोने वाले, ये राजनीतिक हिंदू, मैं तो यही कहूंगा राजनीतिक हिंदू, इसके नाते कहूंगा कि अभी तक जो लोग अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाते थे, ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर बनेगा, तो मैं पिताजी सहित सब परिवार राम जन्मभूमि दर्शन करने जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, लेकिन यह भी मंथन करना पड़ेगा कि निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई
उस पर भी हमको माफी मांगना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, जो लोग कहते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, उनको अयोध्या से राम और परशुराम की बात करना पड़ता है। तो इतना परिवर्तन, जो लोग क्या कहते थे कि नौजवान मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, उनमें कितना परिवर्तन आ गया। उन्होंने क्या कहा कि अरे वाह क्या बात है, तिलक लगाना, कुर्ते ऊपर से जनेऊ पहनना, तो ये शुद्ध रूप से मैं तो यही मानूंगा। आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर वोट लेने के लिए परिवर्तन नहीं, हाँ जिस नहीं, ये लोग शुद्ध रूप से अवसर देखकर, ये इच्छाधारी हिंदू, अवसर मतलब वोट और क्या, चुनाव आ रहा है, चुनाव में हम कितने बड़े हिंदू हैं, हम कितने बड़े हिंदू हैं भाई, भगवान राम सबके हैं, भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के कॉपीराइट नहीं है, भगवान राम खाली भाजपा के ही नहीं है, भगवान परशुराम की इन लोगों ने बांट दिया। अभी कल का एक डिबेट चल रहा था, उन्होंने कहा कि योगी जी रोज अयोध्या जाते हैं, 35 बार अयोध्या गए, मैं भगवान, मेरे राम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे भगवान परशुराम के मंदिर में कब आएंगे। दुर्भाग्य, मैं तो पूछना चाहता हूं उन नेताओं से, भगवान परशुराम को जाति में बांटा जा सकता है क्या, भगवान श्री कृष्ण को जाति में बांटा जा सकता है क्या। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, जैसे अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान राम की जन्मभूमि बनना है, उसी प्रकार आपके अंदर दम है तो मथुरा में आप ऐलान कर दो ना, मथुरा में भव्य भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि बनाएंगे। नहीं बोल सकते, इनको डर लग रहा है कल जब वहां बन जाएगा तो बोलेंगे अरे ये तो मेरे भगवान है, आप कौन होते हो रोकने वाला। बहुत अच्छी बात है, भगवान किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी मत मजहब के नहीं, भगवान पूरे हिंदुस्तान के हैं, सनातन धर्म के मानने वाले के हैं। लेकिन एक फर्क इसमें साफ करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से चुनाव आने वाला है और चुनाव में अपने आप को परिवर्तन कोई स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, धर्म के नाम पे नहीं कर रहे हैं, यह इनकी जो राजनीति है कि ये भोले भाले हिंदू जनमानस को वरगलाकर और वोट की सत्ता हथियाने के लिए ये हथियार के तौर पर इसको समाज के बीच में चला रहे हैं, ठीक है, और समाज के बीच में रख रहे हैं। ठीक है राजपाल जी, इनका इशारा आपकी तरफ भी है, इनका इशारा बीएसपी की तरफ भी है कि जब चुनाव आते हैं तो फिर आपको अयोध्या याद आती है, आपको भगवान राम याद आते हैं, लेकिन बात में नहीं। देखिए भगवान राम में सबकी आस्था है और भगवान राम में निषाद राज की भी आस्था थी। आज निषादों का वोट लेने के बाद में बीजेपी ने क्या निषादों की तरफ पलट के देखा है, केंद्र में भी सरकार बना ली, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना ली। आज तो सरकार बनाने से पहले कहते थे कश्यप निषाद बिन धीमर मल्ला कहार गुड़िया माझी मझवार रहकवार तुरैहा हाँ और भर राजभर कुम्हार प्रजापति को आरक्षण देंगे। आज तो केंद्र में सरकार है, क्यों नहीं अभी तक दिया। देखिए भगवान राम में आस्था है और भगवान राम समाजवादी थे, जो दलित पिछड़े आदिवासी जंगल में रहे सब शोषित वंचितों की बीच में रहे, इसीलिए तो माननीय अखिलेश जी ने तो कहा था जब समाजवाद आ जाएगा तभी राम राज आएगा। और धर्म, नेता का धर्म कहता है, मुख्यमंत्री का धर्म कहता है कि ऑक्सीजन से तड़प तड़प के उनके जिले में बच्चे नहीं मरने चाहिए थे, मुख्यमंत्री का धर्म ये कहता है, मुख्यमंत्री का धर्म ये कहता है कि किसानों को कुचला नहीं जाना चाहिए गृह मंत्री के बेटे द्वारा। तो है ना जेल में, नहीं जेल में है तो मंत्री तो धमकी दे रहा है और हमको बताएंगे गुंडे, अरे इनका गृह मंत्री गुंडा है, बताइए धमकी दे रहा पत्रकारों को, अगर सवाल पूछ रहे तो उनको धमकी दिया जा रहा उससे पहले। तो ये बताइए इनका धर्म ये नहीं बनता क्या, लाशों के कुंभ लगे थे और उनपे अपनी नाकामी छुपाने के लिए योगी जी ने कफन तक नुचवा लिए, तो ये नहीं धर्म, कुत्ते कौए खा रहे थे ये कौन धर्म देखेगा, ये जो दलित पिछड़े इनका आरक्षण छीना जा रहा ये कौन धर्म देखेगा। हाँ ये बताइए बेरोजगार नौकरी मांगने आ रहे हैं तो उनको लाठियां दी जा रही हैं, एक मुक्ता कुशवाहा थी उसके हाथ पैर तोड़ने का काम किया गया, ये किसका धर्म है ये कौन देखेगा। सरसों का तेल 200 रुपए में बिकेगा तो ये कौन कौन कम करेगा, डीजल पेट्रोल सैकड़े को पार कर जाएगा, गैस सिलेंडर चूल्हा 1000 का हो जाएगा, जो 1000 का चूल्हा खरीद नहीं सकता वो 1000 का हर महीने भरवाएगा कैसा। हमें लगता है ये परिवार वाले लोग नहीं, इसीलिए इनको परिवार का कष्ट नहीं पता, इनको नहीं पता। मैं आपका जवाब, और जो 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 परिवार नहीं चला सकता वो सरकार नहीं चला सकता, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं परिवार चलाना ही सरकार चलाना है,
और परिवार में जिस तरीके से सभी का ध्यान रखा जाता है उसी तरीके सरकारों का धर्म है कि सभी जात वर्ग धर्म का ध्यान रखना चाहिए, बंटवारा नहीं करना चाहिए। एक उदय प्रताप जी की लाइन है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ठीक है, इसलिए ये आरक्षण नहीं देंगे। अभी देखिए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने छोड़ी है, प्रधानमंत्री जी पहले ही छोड़ चुके हैं उनको, और अभी जनता छोड़ने जा रही है। अब ये बीजेपी डूबता हुआ जहाज है, इनके साथ में कोई नहीं रहेगा। एक बताइए, कलेक्टरों की सूची है मेरे पास, एक कलेक्टर बता दीजिए, कश्यप का बेटा कलेक्टर हो, एक मौर्य का बेटा कलेक्टर हो, वोट लोगे तो कश्यप, निषाद, मौर्य सबका लोगे, पाल का बेटा नहीं है। और अगर कलेक्टर बनना है तो सिंह लिखना पड़ेगा आपको, तब वो कलेक्टर बन सकता है, उसके पहले नहीं बन सकता। मेरे ये बताइए, हरीश जी, ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि धर्म की राजनीति तो करते ही हैं, साथ ही धर्म और जात देख के नहीं, ये नौकरी में भी की सूची है, नौकरी में भी धर्म और जात देखते हैं। कहां निषाद का बेटा कलेक्टर है, कहां भुर्जी का बेटा कलेक्टर है, कहां राठौर का बेटा कलेक्टर है, कहां राजभर का बेटा कलेक्टर है, कहां चौहान का बेटा कलेक्टर है, कहां कश्यप का बेटा कलेक्टर है, बताए ना। वोट लेने के लिए राजभर पार्टी से समझौता कर लिया, मौर्य से समझौता नहीं, अरे उनको बताने दीजिए। अरे अरे भाई मेरे, आप तो बगैर परीक्षा के कलेक्टर बना रहे हो, आप तो बगैर परीक्षा के लेटरल भर्ती चालू की आपने, अरे आप तो लेटरल भर्ती चालू कर दी आपने। अरे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है, अरे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, अरे मेरे पास वो भी है, अरे आप चिंता मत करो। देखिए सुनिए, देखिए, वो डिफेंड करने के लिए बीजेपी है, डिफेंड करने के लिए ये है। अरे भाई ये बताइए, बीजेपी डिफेंड करेगी खुद को, ये मैं एक मिनट लूंगा, एक मिनट। अरे आप कह रहे परीक्षा देके कलेक्टर बनते, से किसी की बात समझ में नहीं आएगी, आप लोग बैठ जाइए। वो डिफेंड करने के लिए हैं और सक्षम हैं, बीजेपी के नेता हैं डिफेंड करने के लिए सक्षम है, वो जवाब देंगे, आरोप लगा रहे हैं तो वो जवाब भी देंगे, दोनों को बराबर मौका मिलेगा। क्या इनका निषाद पिछड़े दलितों का अधिकार नहीं है क्या, कलेक्टर बनने का इनका अधिकार नहीं है क्या, या अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं है क्या कलेक्टर बनने का। अरे तो ये लेटरल भर्ती किसने चालू की, हो गया बताइए ना, आपका आरोप हो गया ना, ये जो लेटरल भर्ती आपने चालू की, जो गांव गरीब किसान का बेटा आप बगैर परीक्षा के आईएएस बनाना चाहते हो, बगैर परीक्षा के आईएएस बनाना चाहते हो, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। आप उद्योगपतियों को बनाना चाहते हो, उद्योगपतियों को बनाना चाहते हो, आपने अपनी बात कह ली। 2022 में जवाब मिलेगा आपको, अभी जमानतें जब्त होंगी, अभी जमानतें जब्त होंगी। आप इस तरीके से बदनाम करोगे, कुछ भी राजपाल जी, देखिए आप सुनिए, आपने आरोप लगाया, मैंने आपको नहीं रोका, अब उनको जवाब देने दीजिए, आपने आरोप लगा लिया ना, अब उनको जवाब देने दीजिए ना, डिफेंड करेंगे खुद को। कश्यप जी वैसे तो विधान परिषद के सदस्य हैं, बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसी पार्टी में है इनको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है, और उस झूठ के ट्रेनिंग के नाते ये फरेब की राजनीति करते हैं, भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। निषाद के दो दो बेटे संसद सदस्य हैं और केंद्र में मंत्री हैं, पाल हो मौर्य हो, सभी लोग सम्मानित पदों, महाराजा निषाद राज की छुट्टी क्यों कैंसिल की, मछुआ आवास क्यों कैंसिल किया, महर्षि कश्यप की जयंती क्यों छुट्टी कैंसिल की, आप आरक्षण कब देंगे बताइए ना। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप कहेंगे, आपने अपनी बात कही, उन्होंने धैर्य से सुनी, अब आप उनको धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। जो लोग धर्म बता रहे थे, इनके नेता ने तो ये कहा था कि और मैं गोलियां चलवा सकता था, एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक वोट को खुश करने के लिए, हिंदू को लोगों को मारने के लिए, और कह रहे थे और हम गोलियां चलवा सकते थे। ये मुलायम सिंह यादव जी का स्टेटमेंट था, मंच से था, ये जवाब देंगे। अरे रोजगार पे कब जवाब दोगे, हिंदू मुसलमान ही करते रहोगे, ये नौजवान नौकरी कब पाएंगे बताओ ना, इनको कौन नौकरी, ये सरकार की जिम्मेदारी नौकरी देना है, सरकार की जिम्मेदारी नौकरी देना है, दवाई देना है, अस्पताल देना है, पेट देना है, किसान की आय दुगनी करना है, सरकार की जिम्मेदारी केवल हिंदू मुसलमान, बताओ ना, एक अस्पताल 5 मंजिला बिल्डिंग जिनको जेल भेजने के बजाय मुख्यमंत्री आपके साथ लेके घूम रहे थे भाई जहाज में, ये मुख्यमंत्री का धर्म नहीं था,
कि जिसने अपराध किया उसका मंत्री उसको जेल भेजें। आप तो कंधार तक लेके गए थे आतंकवादियों को, आप कंधार तक लेके गए थे आतंकवादियों को, ये बीजेपी की सरकार लेके गई थी आतंकवादियों को कंधार तक, छोड़ने गई थी सरकारी खर्चे से। आपके मंत्री ने एक पत्रकार को जलवा के मार दिया, क्या है मुख्यमंत्री का? अरे आपने तो किसानों को मार दिया, गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या करा दी, अपहरण करा दिए, आपने तो दलित बेटी को रात में 12 बजे जलवाया पेट्रोल डाल के। आप बताओ हाथरस में क्या हुआ? कश्यप जी आप तो धर्म मत बताइए, आप धर्म की ठेकेदारी नहीं है। मैं भी हिंदू धर्म का हूँ, मैं भी मल्लाह कश्यप का बेटा हूँ, मुझे आप मत बताइए, सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। कोई नहीं, हमसे ज्यादा भगवान राम के हितैषी है, अब भगवान राम के साथ में रहने वाला नहीं कोई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी के खानदान का कोई रहा हो तो बताओ ना, सरकार हम बताते हैं निषाद राज के साथ में भगवान राम के साथ में कौन रहा? बिना भेद, अगर आप भगवान राम को भी मानते होते तो भ्रष्टाचार नहीं करते, भगवान राम की जमीन पे आप भ्रष्टाचार नहीं करते, भगवान राम के नाम पे जमीन का भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया आपने, समाजवादी पार्टियों के डीएनए में भ्रष्टाचार घोटाला करवा लिया जमीने, समाजवादी पार्टी के डीएनए में भ्रष्टाचार घोटाला, अरे भ्रष्टाचार घाटों में किया, दवाइयों में किया, कोरोना काल में भ्रष्टाचार किया, आप भगवान राम को नहीं छोड़ रहे तो जनता को कहां छोड़ने वाले हो? कोरोना काल में तो गरीबों के मददगार बनके, अरे आपने खून चूसने का काम किया, आपके मुख्यमंत्री झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं एक भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, 24 करोड़ की जनता के साथ योगी सरकार खड़ी थी, ये झूठों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, दुराचारियों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, इनका मंत्री गुंडा है, जो बलात्कारी सरकार थी, जो बलात्कारी सरकार थी, जो भ्रष्टाचार की सरकार थी, उसको जनता ने विदा किया और 2022 में फिर समाजवादियों को सबक सिखाई, जनता को कुचला है, जनता बीजेपी को 2022 में समाजवादियों को सबक जनता सिखाएगी और आपको फिर वही खड़ा करेगी जहां आप खड़े थे। अब आपके ज्यादा दिन नहीं बचे, अभी आचार संहिता लग गई है, आपको जल्दी ही कश्यप जी आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और अखिलेश जी फिर आप लोगों को बैन लगाएंगे, अब कोई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का चैनल पे बहस के लिए नहीं जाएगा। अब आप जैसे 2017 में आप लोगों पे बैन लगा दिया था 6 महीने तक कोई समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बहस नहीं करेगा। मैं आऊंगा आपके पास, एक कॉमेंट यहाँ पर मुझे लगता है कि यासूब अब्बास साहब का भी लेना चाहिए, एक कॉमेंट आपका, आपने सुन लिया अब्बास साहब अभी सारी बातें, आपका एक कॉमेंट दीजिए मुझे। देखिए जहां तक के धर्म की मजहब की और सियासत की बात हो रही थी, मेरे ख्याल से मैं जहां तक समझता हूं धर्म बोलिए मजहब और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म को सियासत के अंदर सियासतदानों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए है, इसलिए कि धर्म और सियासत दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिस दिन धर्म को सियासत से मिला दिया तो धर्म की पवित्रता के ऊपर जो है उंगली उठने लगेगी और हर शख्स धर्म और मजहब को लेके उसके ऊपर उंगली उठाता रहेगा, क्योंकि मैं भी ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी हूं। यही पर डिफरेंस आ गया, बहुत जिम्मेदारी से मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, क्योंकि अभी जब आपने बात का आगाज किया, बात की शुरुआत की, तो आपने मजहब और सियासत की बात की, इसलिए कि कोई मजहब हो हम हर मजहब का आदर करते हैं, हर मजहब की इज्जत करते हैं, इसलिए कि रास्ते अलग अलग हैं, कोई किसी रास्ते से जाता है, कोई किसी रास्ते से जाता है, कोई किसी रास्ते से जाता है, मंजिल सबकी एक है, जाना सबको एक ही पॉइंट के ऊपर है, वो बात अलग है। अब लैंग्वेज बैरियर बनी हुई है, आप संस्कृत में पढ़ रहे हैं, हम अरबी में पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं आप हमें बुरा कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप हमको बुरा कह रहे हैं, लिहाजा इसके लिए जरूरत इस बात की है कि उसका तर्जुमा और उसका जो ट्रांसलेशन है वो आवाम के सामने आना चाहिए। हाँ। और फिर मैं ये बात कहूंगा आपके मंच से कि धर्म और सियासत ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, इसको एक में अगर से जोड़ा तो धर्म को भी खतरा होगा और सियासत को भी खतरा। ठीक है, मुझे मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे क्लोजिंग कॉमेंट, मैंने आपसे शुरुआत की थी और आपने जो बात की उसके बिल्कुल ठीक उलट उन्होंने बात की, आपने कहा कि जरूरी है, वो कह रहे हैं गैर जरूरी है, दोनों के लिए खतरा है, दोनों के अस्तित्व पे खतरा है। देखिए कम शब्दों में नहीं, देखिए उनको धन्यवाद देंगे, साधुवाद देंगे, उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग हैं, ठीक है दोनों अलग अलग हैं, लेकिन
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा कि हम सभी धर्म की बात करते हैं, सभी की सद्भावना की बात करते हैं, आप संस्कृत में अपने भाव को रखते हो, हम अरबी में अपने भाव को रखते हैं, आप समझते हो आप हमको बुरा कह रहे हो और हम समझते हैं आप हमको बुरा कह रहे हो। लेकिन इनसे मैं सवाल करूंगा, ये अच्छे धर्मगुरु हैं, इनसे सवाल करूंगा, तब कौन सी मजबूरी हो जाती है कि हमको मस्जिद से अजान करना पड़ता है कि ये मोदी और योगी आ रहा है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है, हमको एकजुट होने की जरूरत है, हम लोग एक साथ किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने की जरूरत है, तब ये मजबूरी वहां क्यों आ जाती है? वहां से मजबूरी जब अल्लाह का घर है, वहां इबादत खाना है, वहां इबादत होता है, वहां से सबकी भला की बात की जाती है, तब वहां ये कौन सी बात आ जाती है, कौन सी मजबूरी हो जाती है कि हमको यह कहना पड़ता है कि कहीं योगी ना आ जाए, कहीं मोदी ना आ जाए, इनसे मुझको खतरा है। योगी मोदी से किसी को भला क्या खतरा हो सकता है? इस सरकार में तो मैं समझता हूं महोदय कि 5 साल बीते हैं, 5 साल में कुछ सियासी कमियों के नाते सीए और एनआरसी पे दंगे हो सकते हैं, पिछले सरकार में 5,000 से ऊपर दंगे हुए, चाहे जहां हिंदू ज्यादा हुआ वो मुसलमान को मारे, जहां मुसलमान ज्यादा हुआ हिंदू को मारे, तो इसमें तो हानि दोनों की है। तो कहने का मतलब है महोदय से कि इस प्रकार से दोनों माफी में के साथ, सुचिता होने की जरूरत है, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, बीएसपी हो, भाजपा हो, सभी की जरूरत है इसमें कि इसमें जब तक सुचिता नहीं लाई जाएगी तब तक काम नहीं चले। मैं माफी के साथ आप सबको रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय इतना ही था, आप सबने वक्त दिया और बैठे 10 सेकंड में कह लीजिए, बस 10 सेकंड में, 10 सेकंड बस। मैं अपनी बात ये पूरी करना चाहता हूँ कि जहां को बात धर्म और सियासत की मैंने बात की, जो लोग मस्जिद से यह बात करते हैं कि मोदी और योगी, मैं उन लोगों का भी विरोध करता हूं, इसलिए कि इस्लाम मजहब तालिबानी मानसिकता को पसंद नहीं करता है। लिहाजा हम हिंदुस्तान में औरंगजेब का राज नहीं चलने देंगे, हम उसके भी विरोध में हैं और जो लोग मजहब को लेकर सियासत के अंदर आते हैं उसके भी विरोध में। 30 सेकंड आपके हरीश जी, भारतीय जनता पार्टी टाइम आपको दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्, इसको साकार करने के लिए निरंतर अहर्निश मोदी और योगी सरकार ने काम किया है और उसका परिणाम भी है कि जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश की, उनका बिना भेदभाव के सबको उसका सम्यक रूप से, समान रूप से सबको उसका लाभ मिला है और जन जन के हित के लिए सरकार ने काम किया। 30 सेकंड देखिए, बीजेपी को बौखलाहट है, पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी आने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए बौखलाहट है। और ना इन्होंने जाति जनगणना कराई, ना निषादों का वोट लूटने के बाद में, पिछड़े और दलितों का वोट लूटने के बाद उनके हक अधिकार पे डकैती डालने का काम किया है, और इनको इस बार जनता सबक सिखाएगी। किसानों को खतरा है इनके साणों से, बताइए किस तरीके से किसानों की फसल चली जा रही, मुआवजा तक नहीं दे पा रहे। मुझे इतनी इजाजत दे रहा है वक्त, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस मंच पर शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।